हे गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी इंटरेस्टिंग कंट्री के बारे में जिसका नाम है जापान। जापान में आपको रिच एंड कॉम्प्लेक्स कल्चर देखने को मिलेगा टेक्नोलॉजी का, उनकी पुरानी चीजों को लेके। तो काफी इंटरेस्टिंग कंट्री है ओवरऑल देखने के लिए। और इतनी सारी कॉम्प्लेक्स चीजें होने की वजह से जापान में अगर आप एज ए टूरिस्ट जाते हैं तो काफी सारी ट्रिकी चीजें हैं जो आपका दिमाग घुमा देंगी। एक बार आप भी सोचेंगे क्या मतलब ऐसा भी होता है जापान में। तो आज हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जापान के बारे में। पहला पॉइंट ही जापान को लेकर काफी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि जापान में यू डोंट टिप। जापान में किसी भी बंदे या बंदी को टिप देना काफी दूर बना जाता है। उनका ये मानना है कि आपने जितने उनकी सर्विस का जो चार्ज बनता है उतना दिया वो काफी है, आपको उनको टिप देने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे कि वेस्टर्न कल्चर में होता है, वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, इंडिया में भी आजकल ये होने लग गया है कि लोग टिप देते हैं, जो कि अच्छी बात है। बट जापान में ये आप जाके करेंगे तो इसको काफी रूड माना जाएगा। सेकेंड है कवर या टैटूज। एज ए कॉलेज स्टूडेंट लड़के लड़कियों को टैटूज काफी कूल लगते हैं, पर्सनली मुझे भी अच्छे लगते हैं। बट जापान में टैटूज को ऐसा देखा जाता है जैसे कि वो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हों आपके। तो आपने जब भी आप जापान में जाएं, आपके पास टैटूज हो तो उनको कोशिश कीजिए कवर कर लीजिए। लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, बाकी सब तो अच्छा है, इलीगल नहीं है, बट अच्छी नज़र से नहीं देखते। थर्ड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जापान में जब भी शॉपिंग करें या जिस भी शॉपकीपर को आप पैसे दें तो उनको हाथ में पैसे नहीं दिए जाते हैं। वहाँ पर एक ऐसी चीज़ होती है, आप उस जगह पर पैसे रख दीजिए, अपने कॉइन्स रख दीजिए, काफ़ी कंफर्टेबल होता है ये शॉपकीपर के लिए भी और आपके लिए भी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जब भी करेंसी प्रोवाइड करें किसी को दें तो उस टेबल पर रख दें बजाय हाथ में देने के। अगर आप जापान के किसी भी सिटी में खाने के लिए किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें ओनली फॉर जापानीज होता है, कोई भी फॉरेनर अलाउ नहीं होता है। अब ऑफ कोर्स वहाँ के आप रेस्टोरेंट्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पे ये तो लिखा हुआ बोर्ड पे मिलेगा नहीं कि वहाँ पे फॉरेनर्स का आना मना है, बट आप जब भी एंटर करेंगे ऐसे रेस्टोरेंट्स में आपको आराम से दिख जाएगा कि वहाँ पे सिर्फ जापानीज लोग बैठे हुए हैं। आपको वो हाथ हिला के या सिर हिला के मना कर देंगे कि नहीं ओनली फॉर जापानीज। तो इस बात का ध्यान रखें, ये कोई रूड चीज़ नहीं है, बस वो चाहते हैं कि उनका कल्चर उनके लोग ही वहाँ पर खाना खाएं, तो आप इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे जैसे इंडिया डिजिटल बनते जा रहा है थैंक्स टू मोदी जी, जापान इतना डिजिटल नहीं है कार्ड के मामले में, यानी कि आप वहाँ पर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या जो भी कार्ड आप यूज़ करना चाहते हैं शॉपिंग करते टाइम, तो इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ पर ज़्यादा कार्ड यूज़ नहीं होते हैं, मोस्टली वहाँ पर कैश यूज़ होता है। जापान में अभी भी माना जाता है कि कार्ड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज़ करना इतना सेफ नहीं है। तो आप जब भी घर से या होटल से बाहर निकले तो अपने पास में कैश रखें, लोकली भी वहाँ पर लोग कैश ही यूज़ करते हैं, कार्ड का इतना यूज़ नहीं होता है। जापान में जब भी आप ट्रेन यूज़ करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि जापान की ट्रेन्स में फ़ोन पे बात करना काफ़ी रूड माना जाता है, खासकर अगर आप ज़ोर ज़ोर से बात करें। एज ए इंडियन मुझे पता है कि आप इंडियंस बस और ट्रेन में काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं, कुछ लोग थिएटर में वो काफ़ी अनोइंग होता है, बट जापान में इसको काफ़ी रूड माना जाता है। दूसरी कंट्री में उनका कल्चर को एक्सपेक्ट करना, उनको रिस्पेक्ट करना अपना फर्ज बनता है, तो ट्रेन में बात मत कीजिएगा। जापान में आप जहाँ पर भी खाना खाएंगे मोस्टली आपको वहाँ पर चॉपस्टिक्स दी जाएगी खाना खाने के लिए यूज़ करने के लिए, तो इस बात का आप ध्यान रखें। जब भी आप चॉपस्टिक्स लें चॉपस्टिक्स को बोल में क्रॉसवर्ड पोजिशन में ना रखें, उनको अच्छे से यूज़ कीजिए, बस छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना। जापान में अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए भी आपको काफ़ी सारे एटिकेट्स चाहिए, जैसे कि अगर आप दोस्तों के साथ में जापान में अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं एक ही टेबल पे, तो आपको जो पहले तो अपने दोस्तों को पोर करना पड़ेगा, उसके बाद आप खुद ले सकते हैं। अगर आप पहले सबसे पहले खुद अपने ग्लास में डाल लेंगे तो इसको काफ़ी सेल्फिश माना जाता है। अगर आपको और नहीं पीनी है तो आप अपने ग्लास में एक ढक्कन लगा दीजिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोकली आपको लोग अल्कोहल डालते जाएंगे और आप पीते जाएंगे, आप उल्टी करेंगे। तो बस इस बात का ध्यान रखें कि ड्रिंकिंग एटिकेट्स आपको आने चाहिए जापान के। ये था जापान के कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स जो आपको जापान में नहीं करनी चाहिए या अवॉइड करनी चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो का होता है एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।